good morning students i hope you all are healthy and fine so today i'm going to take your chapter second the little red hen from your english reader book okay students first first of all you all have to write the date and read two times on the top of the page so now so now we start reading the chapter once upon a time there lived a little red hen and her small chicks एक समय की बात है बेटा कौन रहती थी लिटिल रेड हैं और उसके छोटे बच्चे दे ऑल लिव इन इन अ टाइनी कॉटेज और वो सब कहाँ रहते थे बेटा टाइनी कॉटेज टाइनी मीन्स होता है छोटा कॉटेज मीन्स होता है हर्ट सभी एक छोटे से झोंपड़ी में रहते थे द चिक्स लुक लाइक सॉफ्ट गोल्डन बॉल्स और वो जो उसके बच्चे थे चिक्स वो किसकी तरह दिखते थे बेटा सॉफ्ट मतलब मुलायम एकदम गोल्डन बॉल्स की तरह ये देखो उसकी पिक्चर्स बनी हुई है द लिटल रेड हैंड वर्कड वेरी हार्ड टू फीड हर लिटल चिक्स जो लिटिल रेड हैंड थी ना बेटा वो बहुत ही मेहनत करती थी अपने बच्चों को बच्चों का पालन करने पालन करने के लिए उनको खाना खिलाने के लिए लाइक टू सिंग एंड डांस ऐसी वर्क और वो क्या करती थी बेटा जब भी वर्क करती थी तो सिंग एंड डांस उसको गाना गाना और डांस करना पसंद था जब भी वो काम करती थी वन डे द लिटल रेड हैंड वॉज वर्किंग आउट विथ हर फ्रेंड्स एक दिन लिटिल रेड हैंड अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाती है बेटा वॉकिंग करने मतलब बाहर घूमने जाती है द लैम द गूस एंड द कैट और उसके थ्री फ्रेंड्स के नेम क्या होता है बेटा लैम गूस एंड द कैट वाइल दे वेर टॉक वेयर वॉकिंग एंड टॉकिंग सी फाउंड अ फ्यू ग्रीन्स ऑफ विट जब क्या होता है बेटा वो जब जा रास्ते में जा रहे होते हैं बात जब जाते हैं और बात करते हैं तो उसको क्या दिखता है उसको क्या मिलता है फाउंड मीन्स होता है बेटा मिलना उसको क्या मिलता है फ्यू ग्रेन्स ऑफ वीट फ्यू मीन्स होता बैठा कुछ कुछ अनाज मिलते हैं गेहूं के अनाज मिलता है उसको हु विल हेल्प मी प्लांट दीज ग्रेन सी अस्ट तो वो फिर वो क्या करती है अपने फ्रेंड से पूछती है कि कौन मेरी हेल्प करेगा इन प्लांट्स को लगाने में नॉट आई सेट द लैम लैम क्या करता है मना कर देता है मैं तो आपकी हेल्प नहीं करूंगा नॉट आए सैर द गोस एंड गोस भी क्या करता है मना कर देता है नहीं मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा नॉट आय से कैट एंड कैट भी क्या करती है मना कर देती है कि मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी द लिटल रेड हैंड लुक एट द ग्रेन्स ऑफ वीट तो फिर क्या करती है लिटल हैं लिटल रेड हैंड ग्रेन्स ऑफ वीट की तरफ देखती है देन सी लुक एट हर फ्रेंड्स और फिर क्या करती है अपनी फ्रेंड्स की ओर देखती है वेरी वेल आई सॉल प्लान दिज माई सेल्फ सी सैड फिर वो क्या कहती है कोई बात नहीं मैं अपने आप ही इनको लगा दूंगी प्लांट्स को एंड सी डिड जस्ट डेट और वो वैसा ही करती है अर्ली वन मॉर्निंग द लिटल रेड हैंड वेंट आउट टू सी वेयर सी हैड प्लांटेड द वीट एक दिन वो सुबह जल्दी से जाती है कहाँ जाती है जहाँ उसने वो जो प्लांट्स लगाए थे ना ग्रेन्स ऑफ वीट का तो वो वहाँ उसे देखने जाती है सी सो टाइनी ग्रीन स्प्राउट्स कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड और वो क्या देखती है कि छोटे से ग्रीन स्प्राउट्स बाहर निकल रहे हैं ग्राउंड से ग्राउंड से ये देखो स्प्राउट होता है बेटा जब आप लगाते हो अनाज तो ऊपर ये ग्रीन ग्रीन आता न, बोलता है ना उसको बोलते हैं स्प्राउट्स तो बहुत ही खुश होती है कि उसका अनाज निकलने लगा है थोड़ा थोड़ा बन रहा है सी वॉज वेरी हैप्पी द वीट सी हैड प्लांटेड वॉज ग्रोइंग जो उसने वीट लगाया था वो क्या कर रहा है बेटा ग्रो कर रहा है मतलब बढ़ रहा है हरीस कम एंड लुक एट द वीट सी क्राई टू हर चिक्स वो अपने बच्चों हरी मिश्र बोलते हैं जल्दी से वो अपने बच्चे को बोलते हैं जल्दी से बाहर आओ और देखो अपने बच्चों को बोलती है ऐसा द वीट ग्रू एंड ग्रू ऑल समर इट स्लोली चेंज फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन येलो क्या होता है वीट पूरे समर बढ़ता ही जाता है आगे लगता ही जाता है इट स्लोली चेंज फ्रॉम ग्रीन टू गोल्डन येलो उसका कलर बेटा जो ग्रीन होता है वो किस में चेंज हो जाता है गोल्डन येल्लो कलर के अंदर चेंज हो जाता है हु विल हेल्प मी पिक दीट आज द लिटल रेड है अभी वो बोलती है कौन मेरी हेल्प करेगा वीट को पिक करने में अपने फ्रेंड से कहती है सबको नॉट आई सेट द लैम लैम क्या बोलता है मैं तो आपकी हेल्प नहीं करूंगा नॉट आई सेट द गज भी क्या करता है मना कर देता है कि मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा नॉट आई सेट द कैट एंड कैट भी मना कर देती है कि मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूँगी द लिटल रेड हैंड लुक एट द ग्रेन्स ऑफ विट फिर वो क्या करती है लिटल रेड हैं ग्रीनस ऑफ विट की ओर देखती है देन सी लुक एट हर फ्रेंड्स फिर अपनी वो फ्रेंड्स की तरफ देखती है वेरी वेल आई सॉल पिक दिट माई सेल्फ सी इज सेट और फिर वो कहती है कोई बात नहीं मैं अपने आप ही पिक कर लूंगी एंड सी डिड जस्ट डेट और वो वैसा ही करती है ऑल द वीट एंड अ सेक वो सारा वो वीट होता है उसको ले लेती है और कहाँ डाल देती है बेटा बोरी के अंदर सेक मीन्स होता है बेटा बोरी उसमें डाल देती है नाउ इट वॉज रेडी टू गो टू द फ्लोर मिल टू बी मेड इन टू फाइन फ्लोर अभी क्या होता है बेटा वो रेडी हो जाता है कहाँ जाने के लिए फ्लोर मिल में क्या बनने के लिए फ्लोर फ्लोर मीन्स होता है बेटा आटा और मिल मतलब जहाँ पे ये बनता है ग्रेन आपने देखा है ना वीट से गेहूं का आटा जो बनता है वो कहाँ मिलता है फ्लोर मिल में बनता है तो वो वहाँ पे बनाने के लिए उसको ले जाती है अली नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटल रेड हैंड सेड हु विल हेल्प मी टेक द वीट टू द मिल एंड हैव इट ग्राउंड ग्राउंड इन टू फ्लोर नेक्स्ट मॉर्निंग लिटल रेड हैंड अपने फ्रेंड से वापस पूछती है कौन मेरी हेल्प करेगा इसको वीट को मिल में ले जाने के लिए और उसको फ्लोर में चेंज करवाने के लिए नॉट आई सेड द लेम लैम मना कर देता है कि मैं तो आपकी हेल्प नहीं करूँगा नॉट आई सेड द गोज गोज भी मना कर देता है कि मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगा नॉट आई सेड द कैट एंड कैट भी मना कर देती है कि मैं भी आपकी हेल्प नहीं करूंगी द लिटल रेड हैंड लुक एट देक ऑफ ग्रेन लिटल रेड हैंड क्या करती है बेटा ग्रेन जो आप जो बोरी का गेहूँ का जो अनाज का जो बोरी होती है उसकी तरफ देखती है देन सी लुक एट द लैम द गोज एंड द कैट फिर किसकी तरफ देखती है वापस अपने फ्रेंड्स की तरफ लैम गोज एंड कैट की तरफ देखती है देन आई विल टेक द वीट माई सेल्फ सी सेड एंड सी डिड

हु विल हेल्प मी ईट दिस ब्यूटिफुल लॉ फॉर ब्रेड वो पूछती है कौन मेरी हेल्प करेगा इस ब्यूटीफुल लॉ फॉर ब्रेड को खाने में आई विल से लैम लैम क्या बोलता है मैं हेल्प करूंगा आपकी आई विल से गूज गूस भी बोलता है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा आई विल से कैट कैट भी बोलती है मैं भी आपकी हेल्प करूंगा किस में हेल्प करेंगे लॉ फॉर ब्रेड को खाने के अंदर नो यू वु दिटल रेड हैन तो वो मना करती थी कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे नन ऑफ यू हेल्प मी यू डिड नॉट वॉन्ट टू वर्क सीज सेट वो क्या बोलती है किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी किसी ने मेरा वर्क नहीं किया था जब उसको उसकी नीड थी सबकी आई एम गोइंग टू ईट द ब्रेड विथ माई चिक्स वो क्या बोलती है मैं सारा ब्रेड खाऊंगी अपने बच्चों के साथ सेट द लिटल रेड हैंड वो ऐसा बोलती है कि मैं सारा ब्रेड अपने बच्चों के साथ खा लूँगी अभी मेरे अभी मुझको तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए एंड सी डिड और वो वैसा ही करती है ओके okay बेटा यहाँ आपका चैप्टर कंप्लीट होता है तो हमने इस चैप्टर से क्या सीखा बेटा आपने सबने रीडिंग की आपको क्या समझ में आया जब हमें नीड होती है जब जैसे लिटिल रेड हैंड को नीड थी अपने फ्रेंड्स की बट उसके फ्रेंड्स ने किसी ने उसकी प्रॉब्लम में हेल्प नहीं की लेकिन जब जब ब्रेड बन गया और जब गेहूँ से जो ब्रेड बना उसको खाने के लिए सब ने हेल्प की उसकी बोला हम भी खाएंगे सब ने बोला कि हमें भी खाना है बट प्रॉब्लम में कोई हेल्प नहीं करता आपकी तो आपको हमेशा क्या सीखा इस चैप्टर से हमें जब भी किसी की जरूरत हो कोई भी नीड में हो तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए हेल्प करनी चाहिए वी वुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर हमें हमेशा एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए बिकॉज अगर हम हेल्प करेंगे तो गॉड हमें उसका क्या देंगे बेटा गिफ्ट देंगे रिटर्न गिफ्ट मिलता है आपको सो आई होप आप सबको समझ में आया होगा एंड आप सब सब एक दूसरों की हेल्प करोगे ओके स्टूडेंट्स बाय फॉर नाउ थैंक यू